Nagoa Beach, Rio. ये भाई ने बहुत ही खूबसूरत टेंपल बनाया है। क्या बनाया है भाई? महल महल, पैलेस। पैलेस बनाया है। एंजॉय कर रहे हैं, बात करते हैं इनसे। भाई क्या नाम है आपका? सागर। आपका? रोशनी। सागर रोशनी है। नागवा बीच पे समुद्र में नहा के, समुद्र में नहा के और भी नमकीन हो गए भाई लोग। देखो चल रहे थे समुद्र में नहा के और भी नमकीन हो गए। दोस्तों दीव एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। लास्ट देखा हमने वणाकबारा बीच, अभी जा रहे हैं हम लोग नागवा बीच, जो कि बहुत ही फेमस बीच है दीव में। ये है नागवा बीच सर्कल, यहाँ से जाएंगे राइट। तो नागवा बीच का पार्किंग है, होटल है, रिसोर्ट है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंट्री के लिए 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने के बाद आप यहाँ पे कहीं भी पार्किंग की जगह देख के पार्क कर सकते हैं कार बाइक। यहाँ पे आपको रिसोर्ट, स्टे के लिए होटल सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे नागवा बीच पे। दीव एक छोटा सा सिटी है और सिटी से नागवा बीच तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर है। लेफ्ट साइड पे है नागवा बीच गेट। तो अपना जो ग्रे विजन है स्विफ्ट कार, उनको पार्किंग की जगह देखे पार्क कर दे, उसके बाद चलते हैं बीच पे। देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह नागवा बीच दीव। बहुत ही ज़्यादा विजिटर्स है यहाँ पे, विजिट के लिए आए हुए। पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे कार पार्क है। यहाँ पे रिसोर्ट है, होटल्स है, तो जगह मिल नहीं रही है दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे, ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पे है पार्किंग की जगह, यहाँ पे पार्क करते हैं ग्रे विजन को और उसके बाद चलते हैं सी बीच पे। खूबसूरत गेट बनाया है नागवा बीच दीव। आ गए हम लोग नागवा बीच पे और नागवा बीच पे यहाँ पे बहुत ही विजिटर्स है, बहुत ही पब्लिक है, ट्रैफिक जैम है। यहाँ पे आपको पार्किंग का भी शायद जगह नहीं मिलेगा। पार्किंग में एंट्री के लिए जैसे आपने देखा 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री के लिए, और पार्किंग के लिए कहीं भी जगह देख के लोग यहाँ पे पार्क कर रहे हैं अपना जो कार है बाइक है। तो अपना जो ग्रे विजन है वो ग्रे विजन को पार्क किया है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नागवा बीच पे हम लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। दिखाते हैं आपको बीच, बहुत ही खूबसूरत है और वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होता है, बहुत कुछ है यहाँ पे। दिखाते हैं आपको, चलो मेरे साथ। इससे पहले देखे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ट्रीज, 360 व्यूज दिखाते हैं आपको। ये था 360 व्यूज। अभी चलते हैं समुद्र किनारे के पास। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, एंजॉय करते हुए यहाँ पे मस्ती करते हुए।
भुट्टा भुट्टा खाते हैं तो यहाँ पे नागवा बीच के पास खाते हैं भुट्टा। और यहाँ पे ये देखे भुट्टा ले रहे हैं, 30 रुपीज ले रहे हैं एक भुट्टा का, खाते हैं भुट्टा और मज़ा लेते हैं भुट्टे का नागवा बीच दीव में। थोड़ा मसाला कम माना भाई, ये है भुट्टा, खाते हैं भुट्टा। और ये जो बीच है बहुत ही क्लीन बीच है, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो डस्ट यहाँ पे बिल्कुल ना करें, डस्टबिन में ही कचरा डालें, क्योंकि ये बीच जो है बहुत ही क्लीन है और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कचरा दिखने को मिलेगा नहीं। तो आप कुछ भी खाते हो पीते हो तो डस्टबिन में ही डालें कचरा। नागवा बीच दीव के पास भुट्टा खाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। नागवा बीच पर आप देख सकते हैं वाटर स्पॉट में कैसे पब्लिक एंजॉय कर रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन पे प्रेस करके और पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको ऐसे ही कुछ वीडियो मिलती रहे। देखा दिखाते यहाँ पे एक कपल है जो एंजॉय कर रहे हैं, बात करते हैं इनसे। भाई क्या नाम है आपका? सागर। आपका? रोशनी। सागर और रोशनी है नागवा बीच पे, सागर और रोशनी है नागवा बीच पे एंजॉय करते हुए यहाँ पे। तो क्या लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से दीव आए हैं यहाँ पे नागवा बीच में एंजॉय करने के लिए। तो आप भी जरूर आए यहाँ पे नागवा बीच और एंजॉय करें। कुछ बोलना है आपको? वाटर स्पॉट एक्टिविटी होती है यहाँ पे, चलते हैं जानते हैं क्या है रेट्स और क्या क्या है एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे बुद्धि के बाल, हम लोग गुजराती में बोलते हैं बुद्धि के बाल, आप क्या बोलते हैं हिंदी में कमेंट जरूर करें। बाप और बेटे यहाँ पे देखे रेत में बना रहे हैं महल जैसा पैलेस। तू बनाओ किला बना रहे किला। तो ये भाई साहब बना रहे हैं फोर्ट। सब लोग यहाँ पे अपनी मस्ती में एंजॉय करते हुए। देखिए एंजॉय करते हैं यहाँ पे पब्लिक समुंदर में नहा के, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए भाई लोग। देखो देखे तो चल रहे थे समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए। दीव में आ जाओ भाई, मजा करो यहाँ पे, बहुत ही मजे है। देखे पब्लिक यहाँ पे बहुत मजा कर रहे हैं। कहाँ से हो भाई लोग? भावनगर से भाई, भावनगर से यहाँ पे मस्ती करते हुए लोग। देखिए आप भी आए और आप भी एंजॉय करें। अभी चलते हैं सीधा वाटर स्पॉट एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे और जानते हैं रेट्स क्या क्या रेट्स है और क्या क्या है एक्टिविटीज।
यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की रेट्स, जेट स्की, स्पीड बोट, बनाना राइड, बम्पर राइड, आइलैंड, डॉल्फिन ट्रिप, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी पोस्टर। रेट्स देख लिए यहाँ पे, अभी चलते हैं लाइव देखने के लिए। सामने जो आप देख रहे हैं वो है बनाना राइड। बाइक राइड, स्पीड बोट, जेट स्की, पैरासाइलिंग, नागवा बीच व्यू पे एंजॉय करते हैं यहाँ पे विजिटर्स। बहुत ही खूबसूरत बीच है, देखिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको 360 व्यूज़, बहुत ही खूबसूरत बीच है दोस्तों दीव में। दीव एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही मज़े कर रहे हैं लोग, आप भी यहाँ पे आए मज़े करें दीव में। और समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही नीला है, नीला पानी है समुद्र का, तो आपको यहाँ पे पानी भी बहुत ही क्लीन एंड क्लियर मिलेगा। दोस्तों नागवा बीच पे घूम रहे हैं हम लोग, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे, ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। तो देखो यहाँ पे एक खूबसूरत किला बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है, दिखाते हैं आपको। ये देखे समुंदर में यहाँ पे फोर्ट बनाते हुए, यहाँ पे रेत में।
देखे दोस्तों यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करते हुए यहाँ पे पब्लिक एंजॉय करती हुई। यहाँ पे आपको रेट लिखा है और रेट के हिसाब से यहाँ पे आपको प्राइस देने रहेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे। नागवा बीच, दीव का नागवा बीच है ये। और आपको टिकट्स देना है यहाँ पे, तो टिकट्स के लिए यहाँ पे आपको यहाँ से आपको टिकट्स मिलेगी वाटर स्पोर्ट्स के लिए। देखिए ये है काउंटर, वॉच टावर भी है यहाँ पे, टिकट्स देते हैं यहाँ पे और यहाँ से आपको अपने ऊपर वॉच भी रखते हैं, कुछ हो जाए तो यहाँ से हेल्प करते हैं। यहाँ पे टिकट्स के अलग अलग काउंटर हैं, जैसा आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं वैसे वैसे काउंटर हैं। जैसे कि आप अपना स्की करना चाहते हैं तो जेट स्की के लिए है, आप डॉल्फिन देखना चाहते हैं तो डॉल्फिन के लिए है, बनाना राइड करना चाहते हैं तो बनाना राइड के लिए है। मतलब जैसी 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 आपकी राइड वैसा वैसा टिकट काउंटर है यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ जाने का मन कर रहा है पानी में वाटर स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन हम अभी जाएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे बस। हम लोग जाके आए दमन गोवा सब लोग, और यहाँ पे है दीव, और दीव का जो ये बीच है नागवा बीच, ये नागवा बीच बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप नागवा बीच आए यहाँ पे दीव में, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत बीच है यहाँ पे। गोवा में देखा, गोवा का कुछ अलग ही बात है, और ये जो दीव है, ये दीव का बीच नागवा बीच वो कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे देखे ये भाई ने बहुत ही खूबसूरत टेंपल बनाया है। क्या बनाया है भाई? महल। महल, पैलेस। पैलेस बनाया है, देखे समुद्र किनारे नागवा बीच के पास बनाया है पैलेस। कौन सा पैलेस है भाई? जो आपको पसंद है वो पहले से देखे, बहुत ही खूबसूरत बनाया है मट्टी से। नागवा बीच है ये, और ये भाई है जिसने बनाया है। क्या नाम है भाई आपका? प्रतीक। कैसा लगा आपको बना के? अच्छा लगा, बहुत मेहनत लगी। बहुत मेहनत लगी लेकिन मज़ा आ गया भाई को। आप भी आए यहाँ पे नागवा बीच पे आए और मज़ा करें यहाँ पे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। देखिए आइलैंड पे लिखा हुआ है दीव, DIU दीव। तो आज का जो व्लॉग है दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।